अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो रेगुलर ड्रामा, रोमांस, एक्शन से थोड़ी हटके है, और अगर आप आपका दिल, दिमाग और ध्यान सब कुछ लगाने को तैयार है, तो समझ लेना ये मूवी आपके लिए बनी है। Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. So, आज मैं बात करने वाली हूँ एक तेलुगु मूवी ओकी, जिसको हिंदी में डब किया गया है और नाम रख दिया है अंतर्युद्ध। अब अंतर्युद्ध का मतलब होता है अपने अंदर अपने खुद के साथ चलने वाली लड़ाई। ओ में ऐसी 6 कहानियां हैं और हर एक कैरेक्टर की अपने आप के साथ लड़ाई चल रही है। सबसे पहली कहानी है एक राधा नाम की लड़की की, जो रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स को लेके जाती है अपने लाइफ पार्टनर से मिलाने। दूसरी कहानी में हम देखेंगे एक लड़का नौकरी की तलाश में है और एक जगह शेफ के लिए अप्लाई करने जाता है और उसको कुकिंग का सी तक नहीं आता। तीसरी कहानी में हम देखेंगे एक छोटी सी लड़की बेकरी संभाल रही होती है और छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स करके वो सारे अपने गेस्ट का एंटरटेनमेंट करती है, और वो एक ऐसे इंसान से मिलती है जो अपने आप को सबसे बड़ा मैजिशियन मानता है। चौथी कहानी में एक शॉप या स्टोर का वॉचमैन होता है जो एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। पांचवी कहानी में एक लड़की जो ड्रग की लत से परेशान है अपने लाइफ और काम में बैलेंस करने का ट्राई कर रही है। और छठी कहानी में एक लड़की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिखाई देती है। अब झूठ नहीं बोलूंगी, स्टार्टिंग के 40-50 मिनट्स तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मूवी में चल क्या रहा है, लेकिन अगर मूवी ध्यान से देखोगे तो उसके बाद जो होने वाला है उसके लिए आप राइटर और डायरेक्टर को दिल से दुआ दोगे। डायरेक्शन ऐसा किया गया है कि 6 कहानियों में से कोई भी कहानी एक दूसरे को ओवरपावर नहीं करती, हर एक कहानी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है और अपने सामने बार बार कहानी को दिखाया जाता है ताकि हम उस कहानी के बारे में भूले ना। हर एक कहानी में एक सोशल इश्यू के बारे में बात की गई है। कहानियों में कैरेक्टर्स का स्ट्रगल हमें समझने लगता है और उसके बाद जैसे 6 कहानियों को कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि मानो एक मिसिंग पजल का पीस मिल गया हो। अब ये ऐसी मूवी है जो आप हाफ हार्टेडली बिल्कुल नहीं देख सकते। मूवी में पूरा ध्यान लगा के मूवी देखोगे तो ही समझेगी। थोड़ा मूवी का टॉपिक हैवी जरूर लगेगा, लेकिन मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात इसका तगड़ा क्लाइमैक्स है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सारे एक्टर्स ने काफी अच्छी एक्टिंग की है और ये एक मास्टरपीस है, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और ये मूवी डेफिनेटली हॉलीवुड की हर एक मूवी के लेवल को मैच करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और नहीं देखी हो तो जरूर देखना और नीचे कमेंट्स में लिख के बताना कैसी लगी। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर। उससे हमें मिसिंग पजल की पीस मिल जाने वाली आशा।